नमस्कार साथियों, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आरटीई फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के हम अगले चरण में आ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं छात्र पंजीयन में पूर्व से अध्ययनरत बच्चों को प्रमोट करने के बाद वर्तमान में वर्तमान सत्र में नवीन छात्रों का पंजीयन करने के पश्चात हम उनकी फोटो अपलोड करते हैं और पंजीकृत छात्रों का विवरण लॉग करने के पश्चात हम अगले चरण में आ जाते हैं, आधार सत्यापन। छात्र का आधार सत्यापन कैसे करें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और बने रहें वीडियो के अंत तक। छात्र का आधार सत्यापन करने के लिए हम जाएंगे छात्र पंजीयन में और यहाँ देख सकते हैं छात्र का आधार सत्यापन। यहाँ पहले ही ऑप्शन पर हम छात्र का आधार सत्यापन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ हम जिस वर्ष के लिए आधार सत्यापन करना है वर्ष चुन लेंगे और जिस कक्षा का आधार सत्यापन करना है यहाँ आधार सत्यापन करने हेतु कक्षा चुन लेंगे और कक्षा नहीं भी चुनेंगे तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप शो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो भी हमें सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ प्रदर्शित हो जाती है। तो हम एक क्लास चुन लेते हैं और शो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो हमने सेलेक्ट जो क्लास किया है उस क्लास के सभी बच्चों की जानकारी यहाँ प्रदर्शित होती है। ई के वाई सी करने के लिए देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर एक बटन दिया होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक पेज खुलता है। यहाँ पर ई के वाई सी करने के तीन ऑप्शन देता है जो कि KG1, KG2 और नर्सरी कक्षा के लिए होता है। KG1, 2 और नर्सरी कक्षा के लिए हम आधार सत्यापन के लिए OTP का माध्यम ले सकते हैं और जिन बच्चों का आधार में बायोमेट्रिक अपडेट हो जाते हैं और वह KG1, 2 या नर्सरी कक्षा में भी पढ़ रहा है तो बायोमेट्रिक के माध्यम से भी हम आधार सत्यापन कर सकते हैं। तो हम यहाँ OTP के माध्यम से आधार सत्यापन करेंगे तो यहाँ गेट OTP पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक मैसेज आता है OTP वाला, तो हम यहाँ OTP दर्ज करेंगे। हमारे इस छात्र के आधार में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर मैसेज आ गया है, यहाँ देख सकते हैं OTP यहाँ लिख लेंगे हम। OTP लिखने के बाद EKYC थ्रू OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से बच्चे की समस्त जानकारी आधार से संबंधित यहाँ प्रदर्शित हो जाती है, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से पुनः यह पेज खुल जाता है और यहाँ से देख सकते हैं आप पुनः हम आप बताएंगे कि बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार सत्यापन कैसे करें। तो इस तरह से हम कोई भी एक कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से कक्षा सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ इस एक बच्चे की जानकारी यहाँ है तो यहाँ इसमें EKYC पर क्लिक करेंगे। EKYC पर क्लिक करते ही इस तरह से एक पेज खुल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ दो प्रकार से हम EKYC कर सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से और एक EKYC थ्रू आयरिस स्कैनर। तो साथियों हम अभी हम फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से यहाँ EKYC करेंगे और यदि आपके पास आयरिस स्कैनर है तो यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं और EKYC कर सकते हैं। EKYC थ्रू फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। कुछ समय प्रतीक्षा करना होता है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप पोर्ट में मशीन का नाम आ जाता है और यहाँ देख सकते हैं आप इसके पश्चात यहाँ कैप्चर फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस बच्चे का आधार सत्यापन हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर रहे हैं उस बच्चे की साफ अंगुली को फिंगरप्रिंट डिवाइस के स्कैनर पर रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ जाता है, कैप्चर्ड सक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हरे कलर की बटन आ जाती है EKYC थ्रू फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से बच्चे की समस्त जानकारी आधार से संबंधित यहाँ प्रदर्शित हो जाती है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से सभी बच्चों के आधार EKYC OTP फिंगरप्रिंट आयरिस स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं। आधार EKYC करने के पश्चात हम अगले चरण में आ जाएंगे, छात्र की उपस्थिति कैसे दर्ज करें।
तो मिलते हैं अगले चरण में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।